हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग गाइस? तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इतना क्यों खुश हूँ गाइस, आप लोग देखते जाइए। और अभी मैं बाल कटा के आया था, अभी रूम पे जाना है। रूम पे जाकर मैं रेडी होता हूँ, नहाना धोना है। मैंने बोला नहीं, वैसे मतलब बाल सेट नहीं करो, अभी जाकर नहाऊंगा तो फिर से खराब हो ही जाएगा। तो बोले कोई नहीं, आपको तो ब्लॉग बनाना ही है तो कुछ देर के लिए ही कर देता हूँ। तो अभी समझ रहे हैं, चलो बहुत शुक्रिया। तो अभी चलते हैं, रेडी होते हैं, अभी बहुत काम बाकी है, सामान भी पैकिंग करना, अभी दोस्तों से मिलना भी है। तो अभी निकलते हैं, चलते हैं, चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। आप भी आओ, आप भी आओ नेपाल। ओके, आएंगे, चलते हैं भाई, निकले नेपाल आएंगे, हाथ नहीं मिलाना। सब दोस्तों से भेंट कर लिए, रूममेट से जितना था सबसे भेंट कर लिए। मैंने सब सामान पैकिंग भी कर लिया यारो, देख सकते हैं मैंने सब कुछ ले लिया, वो मेरा सामान है। और आवास भाई ये भी जा रहे हैं एयरपोर्ट, और वो ननका भी जा रहा है, और तजामुल भी जा रहा है। ये बैग देख रहे हैं, ये भी पूरा पैक है, ये भी पैक है, उसमें मेरा सामान बिल्कुल भी नहीं है, मेरे दोस्त लोग का सामान है, उन्ही लोग का सामान से पैक है यारो। तो अभी निकलते हैं हम लोग टैक्सी पकड़ के एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के पास आ चुके हैं अभी, मैंने ट्रॉली में तो मैंने अपना सब लगेज सब रख दिया है। अभी इसके अंदर चलते हैं, अभी देखते हैं बोर्डिंग पास होता है कि नहीं। ज्यादा सामान है मेरे पास, तो सामान बहुत ज्यादा हो गया यार। मेरा हैंड बैग ही 10 केजी का था, वो 20 केजी का इन दोनों ने बना दिया है। अब देखो पास होता है कि नहीं। अभी हम लोग बोर्डिंग के लिए वेटिंग कर रहे हैं, अभी बोर्डिंग खुलने में टाइम है, अभी आधा घंटा टाइम है। तो सामान देख के मुझे तो यार डर लग रहा है, ये पास होगा कि नहीं। हैंडबैग जो था 7 केजी का था, तो 10 केजी हो गया है, 10 केजी से भी ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं बोर्डिंग पास होता है कि नहीं, इसी बात का डर है अभी, वो जो सामान सब पास होगा कि नहीं होगा। और मेरा फ्लाइट जो है वो 2 बजे का है, 2:15 बजे का फ्लाइट मेरा है आज। तो मैं कल सुबह 9 बजे KTM पहुँच जाऊँगा। बोर्डिंग खुल गया यारो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। अब तेजामुल को भी बाय बोलूँगा, और ननका को भी बाय बोलूँगा। आवास भाई नहीं आ सके, उनको भी बहुत मिस कर रहा हूँ, वो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनको, तो नहीं आ सके। तो तेजामुल चलता हूँ फिर, वो आ गया देखने। भाई बहुत मिस करेंगे यार। मैं भी ननका चलता है भाई, भाई इंशाल्लाह हम लोग भी जल्दी का आएगा। आओ आओ जल्दी आओ, इंशाल्लाह। ओके चलता हुआ, बाय बाय। बोर्डिंग के लिए लाइन में लगे यार, काफ़ी ज़्यादा लाइन है। ऐसा लग रहा था कि मेरा बोर्डिंग पास नहीं होगा, मेरा सामान ज़्यादा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सामान एकदम परफेक्ट है, मैंने एकदम कर लिया। ओके यार, बोर्डिंग पास हो गया, मुझे लग रहा था कि मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट था। गाइस तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं एरोप्लेन में। अभी यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, टाइम 2:33 हो रहा है, बहुत थोड़ा प्लेन डिले हो गया था। खाना रखने के लिए पेपर मिला है, मतलब ये से उसको रखेंगे, उसको रख कर खाएंगे, ठीक है। देखते हो कब तक आता है खाना। खाना आ गया यारो, तो ये चम्मच है, चम्मच इसको साइड करते हैं अभी, और इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है, देखते हैं इसको। वाह, राइस, और ये क्या है मालूम नहीं मुझे। चावल बहुत कम दिया है, मुझे नहीं लगता है इतना चावल से कुछ होगा, चलो फिर भी मिल गया, अच्छा है। अभी इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा। गरम है यार, टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है टेस्ट। तो सही सलामत हमारा प्लान लैंड हो गया, तो अभी हम लोग इससे बाहर निकले, देख रहे मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं, प्लेन खाली हो गया, हम लोग बाहर जा रहे हैं। अभी एक बहुत भारी है यार, 4 घंटा का सफर था, थका दिया। अच्छा तो फाइनली गाइस निकल गया मैं उधर से बाहर, और दोस्त लोग से मिलते हैं यार, बस में चलते हैं, अभी मिलते हैं दोस्त लोग से। ब्लैक क्यों हो गया भाई? ओ सही है, लगेज का वेट कर रहा हूँ, देखो कब तक आता है, आता है दिल्ली से आ जाए बस, लेकर निकलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं दोस्तों से। जा गया मेरा यार, अभी निकलते हैं यहाँ से। लोगों से पहले तो यार मैं ही पहुँच गया, मुझे लगा वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के,
इतना भीड़ में भी नहीं है, मैं कब से आके यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तक नहीं आए वो लोग, आते हैं मैं फिर बात करता हूँ। यारो इन लोगों को देखो, कब से मैं आधा घंटा से वेट कर रहा हूँ और ये लोग अभी आ रहे हैं, इनको देखो। यारो फाइनली इन लोग आ गए, दो घंटा वेट कराने के बाद आए, तो अभी रूम पे चलते हैं यारो, और रूम पे चल के बात करते हैं, और आज से डेली ब्लॉग आएगा तो डेली देखो। यारो अभी हम लोग टैक्सी में बैठे हुए हैं, देखिए छोटा टैक्सी में कितने आदमी है, 1 2 3 4 5 6 हेलो, हम लोग 6 6 4 6 इसको गिनती नहीं आता है, मैथ में फेल हुआ है, इसी में हम लोग अटक के जा रहे हैं, अभी इसके रूम में जा रहे हैं, आज हमारे रूम में ही होगा, क्या होगा। तो अभी मैं रूम में आ चुका हूँ अपने दोस्तों के, देख सकते हैं अभी टैक्सी का और उधर का भी ब्लॉग में नहीं बना सका, क्योंकि ये सब कमीनों ने ब्लॉग बनाने नहीं दिया, बहुत परेशान किया। तो आज से डेली ब्लॉग आएगा, डेली एक से कंटेंट आएगा, और आप लोग कमेंट में भी बताओ, कंटेंट बताओ। हाँ तो कमेंट में बताओ यार, ओके, और ओके तो आज के वीडियो में यही पेंट करता हूँ, ओके फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, ओके बाय, ब्लॉग को बाय बोल दे, बाय बाय बाय, और सब्सक्राइब, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ओके बाय। बारी काला कारी जेबे बारी दिल खाली सब लिए बिलो जिम्मेदारी की है।